आप अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सीएम को लेकर देखिए बड़ी कार्रवाई हुई है। लखनऊ से खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 2019 में हिंसा करने वाले लोगों की अब देखिए होर्डिंग्स लगा दी गई है। राजधानी के प्रमुख चौराहों पर ये होर्डिंग्स लगा दी गई है और तस्वीरें भी देखिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से राजधानी के प्रमुख चौराहों पर यहाँ पर दंगाइयों की होर्डिंग्स। 57 लोगों को यहां पर चिन्हित किया गया है जिनके नाम भी इस होर्डिंग्स में दर्ज हैं, उनका पता भी यहां पर लिखा हुआ है। 57 लोग जिनके पति के साथ उनकी फोटो लगा दी गई है होर्डिंग्स में। समय पर पैसे नहीं देने पर कुर्की की भी कार्रवाई होगी। और लखनऊ के अब तक 57 लोगों को चिन्हित किया जा चुका है जिनसे 1,55,00,000 रुपए की रिकवरी होनी है। दिसंबर को हुए सीए और एनआरसी को लेकर के हिंसक प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। यहीं जिला प्रशासन ने तमाम उन दंगाइयों के खिलाफ नोटिस जारी किया है और जो संपत्ति का नुकसान हुआ था उसकी भरपाई के लिए खास करके इनको निर्देश दिया गया है। जिला प्रशासन ने उनकी होल्डिंग लगाई गई है, करीब राजधानी के 100 जगहों पर होल्डिंग लगाई है। चिन्हित जगहों पर इनकी होल्डिंग लगाई गई है जिसमें 57 लोगों को चिन्हित किया गया है। उसमें एक मौलाना सैफ अब्बास धर्मगुरु का भी नाम आ रहा है कि उनकी भी नोटिस लगा हुआ है, उनके खिलाफ भी संपत्ति का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। और साथ ही साथ जो 57 लोग हैं उनको कुल मिलाकर के करीब 1,56,00,000 के करीब इसकी भरपाई करनी है। अगर इन लोग इस भरपाई को नहीं पूरा कर पाते हैं तो खास करके डीएम का ये आर्डर है कि इनके साथ कुर्की की जाए, कुर्की के बाद तब इनसे पूरी वसूली की जाए, रिकवरी की जाए। जिसको लेकर के जिला प्रशासन ने करीब राजधानी के 100 जगहों पर इनकी होल्डिंग लगाई है, 100 होल्डिंगें लगाई हैं और चिन्हित जगहों पर इनकी होल्डिंग लगाई है जिसमें ये 57 लोग हैं, जिसमें ठाकुरगंज, हसनगंज, हजरतगंज, जो कैसरबाग से लेकर के कई जगह कई एरियो के नाम आ रहे हैं। कैमरा पर्सन सुंदरम के साथ लखनऊ से अरशद रजा, भारत समाचार। अरशद हमारे सहयोगी जुड़ चुके इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, सीधे अरशद का रुख करते हैं। अरशद देखिए दंगाइयों की अब खैर नहीं, होर्डिंग्स लग चुकी है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? नहीं, और डीएम ने इस पे बड़ा सख्त एक्शन लिया है और इनके चिन्हित करके इन 57 लोगों की होल्डिंग लगाई गई है जिसमें करीब 100 होल्डिंगें लगाई गई हैं और चिन्हित जगहों पर होल्डिंग लगाई है जिसमें इन लोगों के करीब 1,56,00,000 के आसपास की रिकवरी करनी है। और डीएम ने खास करके इनके से निर्देश भी दिया है कि जिस तरह से इन्होंने उड़दंगियों ने सब बवाला किया था और आगजनी की थी और जो संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था उसकी भरपाई ये खुद करेंगे, और अगर ये भरपाई नहीं करते हैं तो इनके खिलाफ कुर्की का कार्रवाई की जाएगी और इससे इनकी भरपाई होगी। जी चलिए अरशद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।